हेलो दोस्त जी, आपने सही थंबनेल पढ़ा है कि मेरे वीडियो में आ चुका है कॉपीराइट क्लेम। तो कॉपीराइट क्लेम क्या है, ये कैसे आता है, ये क्यों आता है, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त शुभम सोनाट, आप देख रहे हैं टेक्निकल ऑनलाइन शो। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टच कर दें, साथ साथ वीडियो भी लाइक कर दें। दोस्तों मैं जैसे बात कर लेता हूँ कि मैंने कभी, आपने देखा होगा, मैं पीछे अभी कुछ दिनों पहले ऐप के बारे में बताया था जिससे रोज धन ऐप नाम है, जिससे पैसा कमाने का एक गेम खेलकर पैसा कमा सकते हैं। तो क्या हुआ उसमें, आपने देखा होगा, मैंने अपने बैकग्राउंड में रोज धन की जो वॉलपेपर लगा रखा है, इस वजह से वो आ गया है कॉपीराइट। अब कॉपीराइट क्लेम क्यों आया है, क्योंकि मैंने उसको लगा रखा है, वो एक कॉपीराइट फ्री कॉपीराइट नहीं है, उसको मैंने डाउनलोड करके लगाया था, तो इसलिए कॉपीराइट आ चुका है। तो दोस्तों आपको अपनी वीडियो में ध्यान देना है, कॉपीराइट ना पाए इसलिए आपको कोई भी ऐसी म्यूजिक नहीं लगाना है, कोई भी ऐसे वॉलपेपर नहीं लगाना है, या फिर कोई भी ऐसा कंटेंट किया नहीं वो करना है जिससे आपके वीडियो में कॉपीराइट आए। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही तक, और मैं आपको दिखाऊंगा इसमें वीडियो में कि कॉपीराइट कैसे आया है और क्यों आया है। मैंने तो आपको बता दिया और आपको दिखाऊंगा भी कि हाँ कहाँ पर आया, किस वीडियो में है। तो चलिए चलते हैं इसकी तरफ। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि कॉपीराइट मेरे वीडियो में कैसे आया है, क्यों आया है, तो आज वीडियो में बताने वाला हूँ। अब चलो मैं चलता हूँ स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन पे चलने के बाद हमें खोलना होगा अपना क्रोम। क्रोम पे जाएंगे हम, यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रोम के ऊपर। क्रोम पे हम यहाँ पे सर्च करेंगे यूट्यूब। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी मेरे यहाँ पे है, तो वहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे ऊपर पे जाना है, हमारा यूट्यूब खुल चुका है, सबसे ऊपर पे जाना है, तीन डॉट पे ऊपर सबसे यहाँ पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ एक दिख रहा है, क्या बोलते हैं डेस्कटॉप स्टेप पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसे यहाँ पे ये हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, कंप्यूटर के जैसा या लैपटॉप के जैसा खुल जाएगा। यहाँ खुलने के बाद हमें क्या करना है, अपनी लाइब्रेरी में जाने, यानी कि अपनी वीडियो में जाना है जो हमारा वीडियो है। तो हमें एक बार थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं ऐसे, और बड़ा करने के बाद हमें जाना है अपनी वीडियो में जहाँ पे वीडियो है। तो वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा ये कि कैसे वो करना है। तो जैसे यहाँ पे वीडियो दिख रही है, तो और हमें फिर जाना है यहाँ पर, और एक सेकेंड, तो जैसे ये हमारा कंप्यूटर का जैसा सिस्टम खुल चुका है, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर हमें जाना है लोगो पे अपने, यहाँ आप देख रहे होंगे लोगो पे क्लिक करना है। जैसे लोगो पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा साइड में, ऐसा खुलने के बाद आपको क्लिक करना है योर चैनल पे। योर चैनल पे जैसे ही खुले ऐसे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। दोस्तों ऐसे इंटरफेस खुलने के बाद आपको सबसे ऊपर में एक बार क्लिक करना है यहाँ पे इस साइड में लेफ्ट में तीन डॉट पे, और वहाँ पे देखना है यहाँ पे इतने ढेर सारे चीज़ें दे दिया, जैसे लाइक्स है, वीडियो है, योर वीडियो, हिस्ट्री, लाइब्रेरी, सब्सक्राइब, ट्रेंडिंग, होम, तो इस तरह से बहुत सारे, और आपने कितने चैनलों को सब्सक्राइब कर रखा वो सारी चीज़ें दिखा रखा है, तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखा रखी। तो आपको सबसे यहाँ पे जाना है योर वीडियो पे। योर वीडियो का मतलब है अपनी वीडियो पे, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, अभी आप देख लें। कुछ ऐसा इंटरफेस खुल गया, अब ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस करी, ये जो भी मेरी मतलब जितनी मैंने वीडियो बनाई है, शूट करी, अपलोड करी, वो मेरी सारी वीडियो यहाँ पे है। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ एक साइड कैसे ऐसे, ये देखो ये सारी वीडियो आप देख रहे होंगे, ये सारी वीडियो मेरे शूट करी हुई है, मेरे चैनल पर अपलोड है। तो अभी इसमें दिक्कत क्या आ गई कि यहाँ पर कॉपीराइट आ गया है, और किस वीडियो में आया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो थोड़ा इधर की तरफ चलते हैं और आपको सबसे नीचे दिखाता हूँ।
सबसे नीचे में आप देख रहे हैंगे इस यहाँ पास यहाँ पे ये सब है, ये सब है। इनमें देखिए अब कहीं भी कॉपीराइट लिखा नहीं आ रहा है, केवल इन्हीं में जो नॉन लिखा हुआ है। अब आप देखते जाइए ऊपर की तरफ, आपको दिखा रहा हूँ कॉपीराइट किस वीडियो में आया है। तो आप देखिए अभी यहाँ तक कहीं भी नहीं आया, बीच में एक वीडियो है जो मैंने बनाया था कॉपीराइट जिस पे आया था, हाउ टू अर्न मनी रोज धन ऐप, यानी कि मैंने गेम के ऊपर एक बनाया था ऐप कि आप यहाँ से रोज धन ऐप एक है उसके ऊपर से आप पैसा कमा सकते हो। और मैंने अपलोड कितनी तारीख को किया था, जनवरी 11, 2021 को, यानी कि आज से 8-9 दिन पहले। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कॉपीराइट लिखा हुआ है, ये देखिए कॉपीराइट क्लेम लिखा हुआ है, यानी कि मैंने जो आप अभी आया क्यों, पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कॉपीराइट क्लेम क्यों आया, तो ऐसा मैंने वीडियो में क्या लगा रखा है या फिर ऐसे क्यों हुआ है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने थंबनेल बनाया हुआ है रोज धन वॉलपेपर का, लेकिन ये तो थंबनेल में चल जाता है, लेकिन मैंने इसके बैकग्राउंड में जो मेरी वीडियो है, वीडियो के बैकग्राउंड में मैंने थंबनेल मतलब कि रोज धन का वॉलपेपर लगा रखा है बैकग्राउंड में, तो इसलिए यहाँ पे मेरे वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ चुका है। तो अगर मैं ये तो एक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, इससे होगा कुछ नहीं, लेकिन अगर मैं लगातार ऐसी कई वीडियो में डालता हूँ तो मेरा चैनल बंद भी हो सकता है, डिसलाइक भी यानी डिलीट भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें, और ऐसी कोई म्यूजिक, ऐसा कोई फ़ोटो या फिर ऐसा कोई वीडियो ना डालें अपने चैनल पे जिससे आपका चैनल ग्रोथ होने के बजाय डिलीट हो जाए। तो मैं यही दिखाना चाहता था। आप अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी टच कर दें, साथ साथ वीडियो भी लाइक कर दें। दोस्तों अगर एक आप नए यूट्यूबर हैं तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान देना होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।